बड़े लोग बड़ी बातें में आज हम समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की 10 बड़ी बातों पर नजर डालेंगे। पंडित ने कहा था, कुल का नाम रोशन करेगा। 22 नवंबर 1939 को जन्मे मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश में नेताजी कहा जाता है। मुलायम सिंह यादव परिवार में तीसरे नंबर के बेटे थे। वो पैदा हुए थे तो गांव के ही पंडित ने कहा था, ये लड़का पढ़ेगा और कुल का नाम रोशन करेगा। पंडित की बात सुनकर उनके पिता सुघर सिंह ने उन्हें पढ़ाने की ठान ली। मुलायम को मिला था सीधे तीसरी कक्षा में प्रवेश। मुलायम सिंह यादव पहले से ही पढ़ने के प्रेमी थे। उन्हें अपने पिताजी से पढ़ाई विरासत में मिली थी। मुलायम सिंह यादव स्कूल जाने लगे और उस समय स्कूल के पहले मास्टर सुजान ठाकुर थे। सुजान ठाकुर ने बच्चों को बुलाकर उनसे सवाल जवाब किए और कुछ बच्चों को सीधे तीसरी कक्षा में दाखिला दिया। इसमें मुलायम सिंह यादव भी एक थे। 14 साल की उम्र में लोहिया के समर्थन में गए जेल। मुलायम सिंह यादव राम मनोहर लोहिया के विचारों से काफी प्रभावित थे। उन दिनों किसानों के समर्थन में लोहिया ने सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया था। आंदोलन के कार्यकर्ताओं को सरकार ने जेल में डालने का काम शुरू कर दिया था। तब आंदोलन को कमजोर होता देख मुलायम सिंह यादव लोहिया के समर्थन में 14 साल की उम्र में जेल गए। 5 भैंस गाड़ी के साथ गई थी मुलायम की बारात। 18 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव की शादी कर दी गई। मुलायम सिंह की बारात 5 भैंस गाड़ी से गई थी। उनकी शादी मालती देवी के फूफा ने तय की थी। मुलायम की शादी की बारात अपने आप में अनोखी थी। राजनीति से पहले पहलवानी का शौक। मुलायम सिंह यादव को राजनीति से पहले पहलवानी करने का शौक था। उन्होंने अपने स्कूल से लेकर कॉलेज तक पहलवानी की थी। मुलायम के पिता सुघर सिंह उन्हें बड़ा पहलवान बनाना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने पहलवानी भी सीखी और मुलायम का मनपसंद दांव था चरखा दांव। कुश्ती से राजनीति में प्रवेश। मुलायम सिंह का राजनीति में प्रवेश बड़े ही नाटकीय अंदाज में हुआ था। मैनपुरी में एक कुश्ती प्रतियोगिता में मुलायम ने अपने गुरु नत्थू सिंह को हरा दिया था। इसकी वजह से वो नत्थू सिंह के उत्तराधिकारी बन गए। पहलवान होने की वजह से उनका आसपास के इलाकों में दबदबा बढ़ता गया। उनको 1967 में जसवंत नगर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनने का मौका मिला। इसके बाद वो 8 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने। विधायक बनने के बाद पूरी की एमए की पढ़ाई। मुलायम सिंह यादव ने 1967 में जसवंत नगर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने थे। विधायक बनने के बाद उन्होंने एमए की पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। विधायक बनकर मुलायम सिंह यादव परीक्षा केंद्र पर भीड़ से बचने के लिए परीक्षा शुरू होने के बाद आते थे और परीक्षा खत्म होने से पहले ही चले जाते थे। कवि के लिए पुलिस को पटक दिया। मुलायम सिंह यादव एक कवि सम्मेलन के कार्यक्रम में गए थे। तब एक पुलिस इंस्पेक्टर कवि को कविता पढ़ने नहीं दे रहा था। उसी समय मुलायम सिंह यादव वहां पहुंचे और पुलिस इंस्पेक्टर को उठाकर पटक दिया। बाद में कवि सम्मेलन का कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ। दूध वाले को अस्पताल पहुंचाया। एक बार मुलायम सिंह यादव अमौसी एयरपोर्ट पर जा रहे थे। उसी समय एक दूध वाला मिर्गी आने की वजह से सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। उनकी नजर उस दूध वाले पर पड़ी। उन्होंने तुरंत गाड़ी रोकी और दूध वाले को अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। दूध वाले के हुए दूध के नुकसान का भी पूरा पैसा मुलायम सिंह यादव ने दिया। 2009 के लोकसभा में कंप्यूटर की शिक्षा का विरोध किया। यूपीए सरकार ने 2009 में देश में कंप्यूटर शिक्षा बिल लोकसभा में पेश किया था। मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में कंप्यूटर की शिक्षा का जमकर विरोध किया। उनका कहना था कि कंप्यूटर की शिक्षा से छात्रों का ध्यान किताबों से हटकर दूसरी ओर जाएगा, जिसके चलते संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ था। बड़े लोग बड़ी बातें में आज इतना ही। आगे की कड़ी में कुछ और नए किस्से और कहानी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।